आज एपिसोड 10। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पांडाज लाइब्रेरी। पांडाज लाइब्रेरी के साथ काम करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन करेंगे पांडाज के साथ। तो पांडाज क्या है? पांडाज दरअसल एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो हमें अपने तरफ से इस कुछ फंक्शंस करवाने का यहाँ पे देती है। तो यहाँ पे जो डेटा होता है बहुत सारा, उसको हम यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है ना। पांडाज इज डाटा मैनिपुलेशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। ये देखिए, खुद ही बता रहा है कि डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस करने के लिए जो है ये जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ये पांडाज, इट इंक्लूड्स डाटा स्ट्रक्चर एंड मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल टेबल्स एंड टाइम सीरीज। तो टेबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए ये टेबल्स, मतलब इसका यूज किया जाता है। इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विद द 3 क्लॉज BSD लाइसेंस। कह से अपने को मतलब नहीं है। द नेम पांडाज इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ल्ड वर्ड पाइनल डाटा। पाइनल डाटा से पांडा शब्द ड्राइव किया गया है। तो क्या होता है पांडा? तो पांडा के साथ काम करेंगे, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करेंगे। कैसे किया जाता है? अच्छा, एक चीज़ इसको समझने से पहले, सबसे पहले मेन चीज़ें तो यहाँ पे समझ लो कि पांडाज का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए यहाँ पे पांडा बना भी है, ठीक है ना। ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, खैर उससे मतलब नहीं। पांडा डाटा स्ट्रक्चर, तो इसका दो तरीके से डाटा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सिंगल डायमेंशनल, जिसको हम सीरीज ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सिंगल के अलावा कुछ भी हो, जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसी तरह से जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सिंगल अगर है, सिंगल डायमेंशनल यानी कि सिंगल डायमेंशनल है, तो उसको हम सीरीज ऑब्जेक्ट कहेंगे। और यदि एक से ज़्यादा है डायमेंशनल, अगर एक से ज़्यादा है यानी कि मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, तो उसको हम डेटा फ्रेम कहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिक्शनरी। ये सारे चीज़ें मैं आपको सारे फंक्शन करवा दूंगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी कुछ आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ जो पिछले वीडियो में रह गई थी, वो मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, तो उसको बस जल्दी से एक छोटा सा कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं पांडाज लाइब्रेरी ज्वाइनिंग नंपाई एरेज। इसमें एक चीज़ मैंने वैसे तो सारी पढ़ा दी थी, लेकिन 3 चीज़ें रह गई थी, वो दरअसल निगाह मेरी नहीं पड़ी वहाँ पर। तो ये समझ लीजिए, जल्दी समझ लीजिए, बस काम खत्म। इसमें बस 3 सेंटेक्स हैं, वही समझ लीजिए। तो मान लीजिए मैं पिछले वाले वीडियो को बता रहा हूँ जो छूट गया था। तो देखिए, इम्पोर्ट नंपाई है जनम NP, मैंने N1 नाम की एक एरे बनाई, N2 नाम की एक एरे बनाई। अब इसको यदि आप np.vstack N1, N2 आप करोगे, तो ये देखिए इस तरह से वर्टिकली यहाँ पे जुड़ जाएगी। यदि आप np.hstack N1, N2 करोगे, तो ये ऑरिजेंटली पूरी लाइन एरे की बन जाएगी। यदि आप np.colmn_stack करोगे, तो ये कॉलम के रूप में पूरी एरे बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पांडाज लाइब्रेरी को स्टार्ट किया जाता है। तो पांडाज लाइब्रेरी, तो ये चीज़ अपनी 3 सेंटेंस लिख लीजिएगा, हम पांडाज लाइब्रेरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पांडाज को देखिए बनाने के लिए आपको वही सब वही चीज़ है, इम्पोर्ट पांडाज HPD, ठीक है ना। इम्पोर्ट पांडाज HPD आपको लिख देना है, और जहाँ पे पांडाज जो है हमारी लाइब्रेरी है वो इम्पोर्ट हो जाएगी। इम्पोर्ट पांडाज एज लाइब्रेरी, और मैं इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का मतलब सीधे से समझिए कीजिए कि डब्बा, ठीक है। अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए कि जैसे मैंने वेरिएबल कहा, आप सोच लीजिए कि डब्बा है कोई, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें रखी जा रही हैं। अच्छा, देखिए जो जिस तरह से हमने वहाँ पे PD, देखिए यहाँ पे PD डॉट जो सीरीज करनी है आपको, तो सीरीज का जो S है वो बड़ा रखना है, वरना एरर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसके अंतर्गत 2-4 वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू हमारी वही फेमस है, 10, 20, 30। तो हमने यहाँ पे वैल्यू उसके अंतर्गत पुट कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे किसको, S1 को, क्योंकि S1 ये हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है सारी कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गई। और ये देखिए किस तरह से एक मतलब पांडाज लाइब्रेरी यहाँ पे मतलब अपने आप रख देती है, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इंडेक्स भी बता देती है, साथ में उसके साथ ही में जो आपने वैल्यू दी वो भी रख देती है, ठीक है। अब इसका जरा टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ S1। तो टाइप यहाँ पे लिख के आ गया कि पांडाज जो है कोर सीरीज का सीरीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम पांडाज को जो है बनाएंगे किससे, डिक्शनरी से, कि डिक्शनरी से पांडाज लाइब्रेरी का यूज करके हम किस तरह से एक सीरीज बना सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह से। तो देखते हैं,
इम्पोर्ट पांडाज, एचपीडी, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं किसका, डिक्शनरी का। तो pd.series आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। और चूंकि मैं ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो इसका है, डेटा ये वाला डिक्शनरी वाला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, दो स्मॉल ब्रैकेट लगाए, ठीक है ना। उसके अंतर्गत मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, और डिक्शनरी से पांडाज क्योंकि जो लाइब्रेरी का यूज करके हम यहाँ पे एक सीरीज बना देंगे। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं सीरीज। तो अभी जो है ये सिंगल डायमेंशनल सीरीज ही बनेगी, और उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल देखेंगे। तो देखिए ए नाम का हमने एक, ये देखिए की वो वैल्यू कहलाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। ए जो है वो की है, 10 हमारी वैल्यू है, बी हमारी की है, और 20 हमारी वैल्यू है। एक और बना लेते हैं सी, सी हमारी की है, 30 हमारी वैल्यू है। ये अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, मैंने अपने तरीके से बना दिया, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं रख रहा हूँ वही रखो। तो S1, अब इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो देखिए जो हमारी है, हमने क्या किया, हमने वहाँ पे डिक्शनरी की सहायता से यहाँ पे क्या किया कि एक सीरीज बना दी। अब अच्छा इसमें मान लीजिए मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। इसमें थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि यदि इसमें एक अलग से लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो वही चीज़ करूँगा, S1 बराबर pd.series और A10, यहाँ पे आपको लिख लेना इंडेक्स। अब मान लीजिए इसमें से आपको इंडेक्स चेंज करना है, तो उसके लिए वो ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो भी इसके अंतर्गत आपने की जो रखी थी, जैसे ABC रखी थी, मैं यहाँ पे ABCD कर दूंगा, देखें क्या होता है। तो A B C और यहाँ पे D कर देते हैं, तो देखते हैं आपके आप यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि जो ABCD जो हमने किया था, तो उसमें देखिए एक D भी जुड़ गया है, ठीक है। यानी कि जो आपने अभी तक इंडेक्स जो ये अपनी तरफ से लिख देता था 0 1 2 3 4, तो इसने अब अपनी तरफ से नहीं लिखी है, अब आपके मन की इसमें कर दी गई है कि इसने जो है इंडेक्स की जगह पर ABCD का यूज किया है। और जहां पे डी की वैल्यू हमने इसकी नहीं लिखी थी, डी की वैल्यू हमने इसको नहीं बताई थी, तो उसने डी की वैल्यू को डन कर दिया है, यानी कि ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी तरफ से भी इंडेक्स को किसी दूसरे रूप में दिखा सकते हो। तो ये हमने देखा कि पांडाज को किस तरह से, और इसके पहले हम यहाँ पे इमेज में भी देख लेते हैं कि हमारा चल क्या रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो हमने देखिए ज्वाइनिंग जो नंपाई एरे था, उसको मैंने आपको शुरुआत में तीन सिंटैक्स बता दिए। फिर मैंने डेटा मैनिपुलेशन विद पांडाज आपको बताया, सिंगल डायमेंशनल अभी हम पढ़ रहे हैं, सीरीज आप जो जिसको भी कहते हैं ऐसे भी समझ सकते हो। फिर हम उसके बाद मल्टी डायमेंशनल, जिसको हम डेटा फ्रेम्स के माध्यम से समझेंगे। फिर हम देखिए अभी जो है पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट हमने खत्म कर दिया है, सीरीज ऑब्जेक्ट हमने प्रॉम्प्ट डिक्शनरी कैसे बनाया जाता है ये खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज ऑब्जेक्ट, बेसिक मैथ ऑपरेशन चलाएंगे सीरीज पर। उसके बाद फिर हम डेटा मैप फ्रेम के साथ यानी कि मल्टी डायमेंशनल के साथ काम करेंगे पांडाज में। फिर मैं डेटा फ्रेम में इनबिल्ट फंक्शन कुछ चलाऊंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है एक्सट्रैक्टिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज और आर सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो इम्पोर्ट पांडाज, देखिए यही मैं बार बार आपको दिमाग में डाल दे रहा हूँ, तो एक बार याद कर लीजिए, फिर दोबारा नहीं भूलना चाहिए। इम्पोर्ट पांडाज HPD, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे pd.series उसके बाद आपको इसको स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे कुछ वैल्यू इसके अंतर्गत हम रख देते हैं। तो वही वैल्यू थर्टी फोर्टी फिफ्टी, और यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको हम स्टोर करवा देते हैं ताकि इस पे ऑपरेशन चलाएंगे तो सुविधा रहे।
अब हम नीचे आए, S1 को प्रिंट करेंगे। तो देखिए इसने जो है एक डेटा स्ट्रक्चर में इंडेक्स के साथ हमारी वैल्यू को रख दिया है सीरीज में, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसमें हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंडेक्स, तो आपको काउंट करना आता ही होगा, 0, 1, 2, 3 से इंडेक्स काउंट की जाती हैं। तो इंडेक्स को यहाँ पे काउंट कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20 को बाहर निकालना है, तो 20 कितने इंडेक्स पर बताओ? आप कहोगे दूसरे पर, दूसरे पर नहीं है, पहले पर है। क्योंकि पाइथन में मैं बार बार बताता जाऊँ आपको कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 से गिना कीजिए, तो 20 कितने पर है? फर्स्ट पर है। देखिए 20 इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, हमने एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को बाहर फेंक दिया। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे शुरुआत के दो चार चाहिए हो या फिर अंतिम के दो चार चाहिए हो, उसका तरीका क्या होता है। मान लीजिए मुझे शुरुआत के यहाँ पे कुछ एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कालन लगा देना है, या आप देख सकते हो छोटा सा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद आपको कितने शुरुआत के एलिमेंट बाहर फेंकने हैं, तो आप लगा दीजिए कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दो एलिमेंट बाहर चाहिए, मैंने दो लिखा। अब ये देखिए कहाँ तक के निकल जाएंगे, 10, 20, 30 तक के निकाल देगा। तो यहाँ पे जो है ये कि रेंज में हमेशा याद रखिए कि जो 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 आप लास्ट वैल्यू दोगे उसको कभी बाहर नहीं निकालेगा, उसके पहले वाले ही निकाल देगा। जैसे मैंने दो इस पे इससे कहा, तो उसने क्या किया, 0, 1 इंडेक्स पे जो था उसको बाहर निकाल दिया, 2 को नहीं निकाला, क्योंकि रेंज जो है इसी तरीके से काम करती है, पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इसमें से मुझे लास्ट के कुछ एलिमेंट बाहर चाहिए, तो इसको वही चीज़ बता दो। मान लीजिए मुझे, तो इसमें देखिए जब उल्टी गिनती चलती है तो इसमें माइनस कंपलसरी है, वरना ये शुरुआत के निकाल देगा फिर। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया कि लास्ट लास्ट से हमारे एलिमेंट बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। 3 कहे थे और तो 3 निकाल दिए इसने, 30, 40, 50। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक छोटी सी चीज़ आप देखना, तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जब हमने शुरुआत के दो निकाले थे तो इसने जो दूसरी इंडेक्स पे था इसने बाहर नहीं निकाला, लेकिन जब हमने उल्टी गिनती चालू चालू करवाई तो उसने जो इंडेक्स को काउंट किया वो उसने 0 से ना काउंट करके 1 से काउंट किया। ये छोटी सी चीज़ जो है पाइथन में हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सीधे में ही हमेशा 0 से काउंट करता है, जबकि उल्टे में जो है ये 1 से काउंट करता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे बेसिक जो मैथ ऑपरेशन है वो कैसे इस पे चलाए जाते हैं, तो वही करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भागा कुल होगा। तो S1 मान लीजिए मुझे इस S1 जो S1 नाम की जो वेरिएबल है, इसमें मुझे पांच पांच जोड़ना है, पूरी लिस्ट में पांच पांच, पूरी सीरीज में मुझे पांच पांच जोड़ना है। तो S1 + 5, देखिए समय पांच पांच जुड़ गया। अब ये मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मान लीजिए मुझे पांच पांच घटाना है, लियो घटा दिए, ठीक है। और मान लो 5 का गुणा करना है, जरूरी नहीं 5, आप अपने हिसाब से 5 कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए 5 से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना करके देखिए, और जितना ऑपरेशन हो सब चलाइएगा। तो मैंने मेन मेन आपको बता दिया, और नेक्स्ट के अब हम देखेंगे डेटा फ्रेम। हमारी जैसे कि हेडिंग थी की डेटा फ्रेम, पांडा जी सीरीज ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, सीरीज ऑब्जेक्ट डिक्शनरी से कैसे बनाया जाता है वो देख लिया, किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को बाहर कैसे फेंका जाता है वो भी देख लिया, बेसिक मैथ ऑपरेशन देख लिया सीरीज पे। नेक्स्ट हम देखेंगे पांडाज डेटा फ्रेम, ये क्या होता है। फिर डेटा फ्रेम पर हम कुछ इनबिल्ट जो फंक्शंस हैं लाइब्रेरीज के, उसको हम चलाएंगे। तो ये डेटा फ्रेम को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल रोज एंड कॉलम में डाटा लिखा होता है। तो ये सब हम बवाल हटा देते हैं, और यहाँ पे हमारी लिस्ट मतलब जो खाली हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, वही लाइन, ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। इम्पोर्ट पांडाज एज PD हमने लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद S1 नाम का एक हम वेरिएबल बनाए, PD.Series, सीरीज का S बड़ा वरना एरर, और इसको हम किस मेथड से बनाएंगे, उससे डिक्शनरी मेथड से बनाएंगे डेटा फ्रेम को। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक रो एंड कॉलम की बनाने जा रहे हैं डेटाबेस तैयार करने, तो उसमें अपनी तरफ से हम कुछ डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक मुझे
जो कॉलम है वो नेम का चाहिए, जिसमें नाम लिखे हों सबके। नेम का मैंने कॉलम बना लिया, ठीक है। और ये देखिए हम डिक्शनरी मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आपको एक नया यूज यहाँ पे पता चलेगा, चूँकि हम डिक्शनरी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज यूज भी देखो। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, कुछ डेटा बना लेते हैं। मान लीजिए मैक लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सॉफ्टवेयर के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, विंडोज। और लिनक्स, तो ये हमने एक नाम लिख लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नेम कर देते हैं इसका, जो अभी आपको समझ आ जाएगा, जब ये ऑपरेशन चलेगा तो समझ आ जाएगा कि कैसे ये बाद में दिखेगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नेम, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नेम नाम से हमने एक कॉलम का नाम रखा, उसके अंतर्गत जो नीचे जो वैल्यू आएंगी वो मैक, विंडोज, लिनक्स ये आएंगी। अच्छा, उसके उसके जो और कॉलम के इधर बीच में, मतलब साइड में, मतलब उसके पास ही में जो होगा उसमें क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें मान लीजिए हम इसके नंबर्स लिख देते हैं कि मतलब ये कितना बढ़िया काम करता है, उस हिसाब से इसके मार्क्स डिसाइड कर देते हैं। तो मार्क्स मैंने इसे, मतलब होता तो नहीं है लेकिन बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिमाग मत लगाना। तो मार्क्स लिख देते हैं, मेन काम है हमारा डाटा बनाना, डेटा फ्रेम को बनाना। तो 200 हम मैक को देंगे, 200 विंडोज को देंगे, 100 एंड लिनक्स को देंगे 50, ठीक है। तो ये हमने डेटा फ्रेम एक बना लिया। अब ये देखिए जब रन करेगा तो कैसा दिखेगा वो अब देखिएगा। S1 नाम का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, और यहाँ पे एरर आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम पे नेम देखें क्या गड़बड़ हुआ है, मैक विंडोज लिनक्स, यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि जो यहाँ पे हम बना रहे हैं डेटा फ्रेम लिख के बैठे हैं सीरीज, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हुई है। डेटा फ्रेम लिखना पड़ेगा, और एक चीज याद रखना कि जो डेटा फ्रेम लिखो उसमें डी और एफ कैपिटल लेटर्स में हो, वरना एरर फिर आ जाएगा। इम्पोर्ट पांडा जेस पी डी S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम, और हमने दो स्मॉल ब्रैकेट ओपन किए, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया उसके अंतर्गत, एक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम नेम का एक हमने कॉलम बनाया, इसके अंतर्गत हमने मैक विंडोज लिनक्स की वैल्यू स्टोर करवाई, मार्क्स का एक उसके बगल में ही बनाया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई 200, 100 एंड 50। रन, तो यहाँ पे देख लीजिए जो है आपके सामने यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया कितने बढ़िया से। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा फ्रेम को यहाँ पे बना सकते हो। अब डेटा फ्रेम के साथ हम करेंगे यहाँ पे मैनिपुलेशन। तो अब हम इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस जो ऑलरेडी से पहले से ही इस लाइब्रेरी में डिफाइन कर दिए रखे गए हैं, जिससे इस डेटा में हम कुछ चेंज कर सकें, मैनिपुलेशन कर सकें। तो देखिए कैसे किया जाता है उसको यहाँ पे समझते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम भारी भरकम थोड़ा डेटा फ्रेम बनाते हैं ताकि उसमें से अच्छे से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। तो बाकी सब तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसमें थोड़ा सा हम चेंज यहाँ पे कर देते हैं। तो थोड़ा डेटा बड़ा बनाते हैं क्योंकि छोटा करेंगे तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो नेम
तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, जहाँ पे हमने एक नाम नाम का एक नेम नाम का हमने एक कॉलम बनाएगा के नेम नाम का एक हम कॉलम बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम चार नाम हमने रखे हैं, जॉन, बॉब, पंकज, माउस से, ठीक है। और डिग्री नाम का एक हमने डेटा बनाया, जिसमें उनकी डिग्री रखी है, MBA, BCA, BA, MBA, ठीक है। उसमें हमने उनके स्कोर रख दिए हैं 90, 40, 50, 56। अब देखते हैं डेटा फ्रेम किस तरह से लगता है, उसके साथ हम कुछ इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही की थी डेटा मैनिपुलेशन विद पांडाज। तो यहाँ पे हमारी जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे रन हो गया, और फाइनली यहाँ पे हमारी एक बढ़िया से डिजाइन होकर आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जैसे मान लीजिए इनको अगर हमें सीरियल से लाना हो तो कैसे लाएंगे, तो इसका जो वेरिएबल का नाम है S1, आपको कर देना S1.head, ठीक है, S1.head, और दो स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दो, तो यहाँ पे सीरियल से आ गया। SK.tail करोगे, S1.tail करोगे, ये देखिए सिंटैक्स है सबके, लिखते जाओ काम बनता जाएगा। टेल करने पर ये डेटा जो होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर से अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिर नीचे से ऊपर जाओगे। S1 मतलब डॉट टेल लगाने पर, ठीक है, वेरिएबल के साथ। अब हम देखेंगे S1.shape, शेप करने से ये होगा कि इसका रो कॉलम का जो तरीका है, मतलब रो कॉलम का क्या मतलब किस फ्रेम में लिखे हुए हैं ये बता देगा। तो 4,3 यानी कि 4 रो हैं, 3 कॉलम है, देखते हैं है या नहीं है। तो वाकई में उतने ही हैं, देखो 4 रो हैं, 0, 1, 2, 3, 0 को भी इंक्लूड किया जाएगा, और नेम, डिग्री, स्कोर 3 हमारी कॉलम है। तो वही चीज़ इसने बताई जो रो इंटू कॉलम के रूप में होता है, यानी कितने बाई कितने। तो S1.describe, और इसमें स्क्वायर, देखिए शेप में स्क्वायर शेप में जो है स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है, वो मत लगाना, S1.describe में लगेगा। इसमें कुछ इसके देखिए जो चीज़ें अभी हम एक एक करके करते थे, अभी यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक बता दिया कि इसका मेन कितना है, स्टडी कितना है, मिनिमम कितना है, 25% कितना है, 50% कितना है, 75% कितना है, मैक्सिमम कितना है, सारा कुछ ऑटोमेटिक डिस्क्राइब कर दिया। तो S1.describe फंक्शन होता है। और नेक्स्ट देख देते हैं आईलॉक, ये क्या होता है, S1.ilock, स्पेलिंग देख लीजिए ILOC, ठीक है, और इसमें इसमें देखिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, और ये रो या कॉलम में आप चलाते हो, देखिए एक आई लॉक होता है, एक होता है एक लॉक। तो पहले आई लॉक को देख लेते हैं, इसको रन करते हैं, तो इसने देखिए क्या किया, सबसे पहले ये हटा देते हैं जिनका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे इसने देखिए क्या किया, हमने यहाँ पे इंडेक्स मतलब सबकी दी है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0 से 0:2 दिया, 0:2 का मतलब क्या हुआ कि 0:2 का मतलब ये हुआ कि 2 से पहले, देखिए रेंज मैंने दी है, पैरामीटर 2 पास किए हैं, 0:2 दिया, यानी कि 0 से स्टार्ट करो और 2 से पहले खत्म हो जाओ, मतलब 2 तक नहीं जाना है, ठीक है ना। पैरामीटर का काम क्या होता है कि वहां तक नहीं जाना, उससे पहले खत्म हो जाओ। तो देखिए इसने क्या किया, 0:1 को देखिए प्रिंट कर दिया, यानी 0:1 रो उठा ली इसने, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 0 दिया था, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो कॉलन है, अगर आप 0 दोगे तो जितने भी कॉलम आपने दिए सारे प्रिंट हो जाएंगे, अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया तो एक कॉलम इसमें से गायब कर देगा, मतलब जितने कॉलम है उसमें से उतने गैप कर देगा। जैसे 3 कॉलम है, अगर आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 0 दिया था तो इसने सारे कॉलम प्रिंट कर दिए, अगर आप 1 दोगे तो 2 कॉलम बचेंगे, 2 दोगे तो 1 कॉलम बचेगा, 3 दोगे तो 1 कॉलम नहीं प्रिंट करेगा, ये होता है काम करने का तरीका, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉक, S1.lock, इसमें देखिए हमने रो में ऑपरेशन चलाया था, इसमें कॉलम में ऑपरेशन चलेगा, बस यही फर्क है आई लॉक और लॉक में। तो 0:2, तो इसमें नेम नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है, तो उसी का नाम रख देते हैं, और स्कोर भी बनाया है तो उसको भी रख देते हैं, फिर देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है,
ये, अच्छा ये हटा देते हैं जिसका काम नहीं है। तो s1.lock हमने लिखा और एक बड़ा ब्रैकेट बना लगाया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हो। तो जीरो काम जीरो और मैंने दो रखा, यानी कि जीरो से दो तक चलो ठीक है, जीरो कालन दो लिखा है, यानी कि पैरामीटर इसमें मैंने पास किया जीरो का जीरो कालन दो। तो देखिए जीरो से दो तक चला ठीक है, जब देखिए लॉक मैंने लगाया तो दो तक चला गया ठीक है, जीरो वन टू, तो दो जीरो वन टू यानी कि जीरो से दो तक चला ठीक है, इसे समझो। और यहाँ पे जो इसने नेम और स्कोर को ही इसने प्रिंट किया है और क्या गैप कर दिया है, डिग्री इसने इस बार नहीं लिखी, क्योंकि हमने इससे कहा था कि नेम और स्कोर नाम के जो कॉलम स्टार्ट होते हैं जिनका नाम ही मतलब है नेम और स्कोर, उनको बस प्रिंट करो और डिग्री गैप कर दो। अगर डिग्री को भी लिखवाना है तो डिग्री यहाँ पे वेरिएबल हमें पास करना पड़ेगा तभी ये प्रिंट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लो अब कर दिया ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ता है कहाँ तक नीचे रो में जाना है और कितने कालम आपको बता कराने हैं, खुद से ट्राई करना पता चल जाएगा किससे क्या होता है। तो ये चीज़ है ठीक है, जितना मैंने रो जितना नीचे चलाना है फिर जितने कालम लाने हैं उनका नाम आपको देना पड़ेगा, या मैनुअली टाइप करके दे सकते हो ठीक है। तो ये हमने देखा। अच्छा अब हम इसमें से कुछ ड्राफ करवाते हैं यानी कि हटाते हैं, तो ये अब होता है s1.drop। तो s1.drop मैंने लिखवाया और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ड्राफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आपको ड्राफ करवाना है, जैसे मान लीजिए मुझे नाम करवा हटवाना है तो नेम एक्सिस इज इक्वल टू वन, रन करोगे हट जाएगा ठीक है। तो नाम यहाँ से गायब हो गया है, उड़ गया है और डिग्री स्कोर बचा हुआ है ठीक है। और एक और अच्छा ड्राफ का होता है वो भी देख लो, s1.drop। ये देखिए s1 में बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि वेरिएबल है। और यहाँ पे 0,1 और एक्सिस आपकी हमें 0 करना है। तो यहाँ पे देखिए रन हो चुका है। अच्छा इसमें हुआ क्या है ये हम पहले हटा देते हैं जो बेकार की चीज़ है। तो s1.draft हमने यूज किया, 0,1 बताया यानी कि दो पैरामीटर पास किए जिसमें 0 मैंने पास किया और फिर दूसरे में 1 पास किया, इसके बीच की जो वैल्यू थी यानी कि क्या थी 0,1 ठीक है। तो यहाँ पे जो 0,1 देखो यहाँ से हट गए और उसके बाद 2,3 यहाँ पे प्रिंट हो गए। और एक्स इज इक्वल टू हमने 0 दिया था तो यहाँ पे जो है इसने मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 दिया था तो इसने सारे ही प्रिंट कर दिए, जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 1 करोगे तो उतने कम कर देगा, 2 करोगे तो उतने कम कर देगा, 3 करोगे यदि 0 कर दोगे तो सारे प्रिंट कर देगा, वही इसने यहाँ पे किया है। तो ये चीज़ है s1.draft इस तरह से यूज करता है। इसमें आप पैरामीटर पास करते हो, जो पैरामीटर पास करते हो पैरामीटर दिखेंगे नहीं, और भी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। एक्सिस अगर चाहो तो एक्सिस कर दो 0 ठीक है तो ये काम करने लगेगा। तो ये ड्रॉप वाले जो फंक्शन होते हैं दो तरीके के देखे जाते हैं। s1. अब इसमें जैसे मीन होगी, स्टडी होगी, मीडियन हो गई और मिनिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई, ये आपको अगर मैनुअली चेक करने हैं डिस्क्राइब मेथड के थ्रू नहीं करने हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो। s1 डॉट मीन तो देखो इसमें एरर दरअसल ये नहीं है ठीक है, ये एरर नहीं है, इसको एरर मत समझना। और यहाँ पे स्कोर जो है इसने मीन कर दिया है, मीन का मतलब आप ऐसे समझो कि मीन मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे ये स्कोर लिखे थे ठीक है, तो इसने क्या किया है, मीन का मतलब ये होता है कि 90, 40, 50, 56 चार स्कोर लिखे थे इनको जोड़ दो, और स्कोर कितने थे 4 थे, तो जिनको जो जोड़ने पर मिले उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से नहीं मतलब 4 से मतलब ये है कि जिस हिसाब से डाटा उस हिसाब से अपना देखिए, कि जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो 90, 40, 50 + 56 को जब आप जोड़ोगे उसके बाद 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका मीन कहलाता है, इसे समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं, मीन हो गया, मीन देख लेते हैं। मीन तो मीन से क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो sk.min मैंने कर दिया, s1.min कर दिया, तो इसमें जो मिनिमम सबसे वैल्यू थी, तो मिनिमम कौन है इसमें, बॉब की वैल्यू जो बॉब bc 40 ठीक है, ये है मिनिमम। s1.max कर देंगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी,
देखिए मैक्सिमम मिल गई, मैक्सिमम किसकी थी, पंकज की थी, एमबीए था और 90 थी, ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिल गई। और मीडियन करना हो, मीडियन भी कर सकते हो, S1.median, मीडियन, तो मीडियन इसमें वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मैं आपको बताता हूँ, देखिए मिल गई है क्योंकि इसमें डेटा था, ठीक है, डेटा का मतलब इसमें वैल्यू दी थी, अगर यहाँ पे वैल्यू ना होती तो शायद ना मिलता है, क्योंकि मीडियन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर 5 डाटा लिखे हुए हैं, 5 डाटा लिखे हो, तो उसके बीचों बीच की निकालो, तो 5 में बीचों बीच में कौन आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 6 में बीचों बीच में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, अगर वैल्यू दी है तो आ सकता है, वरना नहीं आएगा, तो ये होता है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, और अब हम एक फंक्शन डिफाइन करके देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, सारे हमारे ऑपरेशन पांडाज पे हो जाएंगे। तो एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम हम मतलब डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए सारी जो वैल्यू हमने लिखी है इनको सबको हमें आधा करना है या पूरा करना है या फिर 5 गुना करना है, 20 गुना करना है, 50 गुना करना है, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन कर लो। डिफाइन का यूज हम करेंगे डिफ से, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, तो ये नहीं कि अभी मैं बता रहा हूँ, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप सीरियल से देख कर आइए कीजिए। डिफाइन डिफाइन एप सॉरी डिफाइन हाफ लिखा मैंने, देखिए हाफ क्या है, उसका नाम है, मतलब जब उसको बुलाओगे तो हाफ बुलाओगे तब वो आएगा, तो हाफ मैंने यहाँ पे मतलब आधा करना है सबकी वैल्यू, इसलिए मैंने हाफ लिखा है। तो डिफाइन हाफ एस, हमने एक इसके अंदर पैरामीटर पास किया या ठीक है, एस के साथ जो भी आप करोगे वही चीज़ सारे जो पूरा डेटा फ्रेम है सब पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप फार्मूला डिजाइन कर दो, बाकी सब पता चला ही जाएगा। कालन लगाओ, रिटर्न करो। अब यहाँ पे आपको वो लिखना है जो आपको चाहिए हो, तो मुझे मैंने चूंकि इसका नाम ही दिया है आप, तो आधा ही करेंगे सबकी वैल्यू, तो आधी वैल्यू अगर इसकी करनी है तो कैसे करी की जाएगी, आप कहोगे 2 से भाग दे दो सबकी हो जाएगी, और अगर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि 0.5 से गुणा कर दो तो भी तो आप हो जाएगी, तो गुणा कर देते हैं S into 0.5, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, और इसको किस तरह से लगाया जाएगा S1 पर वो भी देख लो, S1 डॉट नहीं, S1 बड़ा ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगेगा, लगाना किस पे है, ऑपरेशन चलाना किस पे है, स्कोर पे चलाएंगे, डिग्री को तो आधी करवाएंगे नहीं, वो कैसे होगी, वैल्यू वाली तो आधी है, वो पूरी सब में तो होगी, तो स्कोर करवाएंगे, तो स्कोर हो गया, और ये ब्रैकेट बंद दोनों हो गए, डॉट अप्लाई, ठीक है, S1 स्कोर स्कोर डॉट अप्लाई, और मतलब जो नाम मैंने इसका दिया था आप दिया था तो आप में लगा दो, बस रन, तो यहाँ पर रन हो चुका है, और यहाँ पे जो है सबकी वैल्यू आधी आधी कर दी गई है, देख लो, पहले 90 था, 45 हो गया, 40 था, 20 हो गया, 50 था, 25 हो गया, 56 था, 28 हो गया, ठीक है, और हाँ हो गई। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, S1 स्कोर, स्कोर की मुझे वैल्यू काउंट करानी है, यहाँ पे कालन नहीं लगाना है, कालन की जगह पर लगाना है काम एट डॉट, ठीक है, S1 स्कोर, स्कोर में मुझे वैल्यू को जो है काउंट कराना है, कितनी बार कौन आया है, वैल्यू काउंट्स लगा देना है, उसके बाद 2 स्मॉल ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है, रन कर देना है, तो यहाँ पे जो है देखिए सब बता दिया इसने कि 90 2 बार आया है, 50 1 बार आया, 56 1 बार आया है, बता दिया, तो यही है, ठीक है, यहाँ पे कालन नहीं लगाना, कालन लगा दोगे तो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉर्ट कैसे किया जाता है, सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज बाई लगा देना है, और स्कोर और स्कोर, ठीक है, इसको रन कर देते हैं, तो वेरिएबल हमारा है S1, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसने वैल्यू को सॉर्ट कर दिया है, यानी कि कायदे कानून में लगा दिया है, मतलब जो बड़ा होगा वो पहले आएगा बाद होगा, इस तरह से आप इसको सॉर्ट भी करवा सकते हो। तो S1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाई लगा देना है, और जो आपको सॉर्ट कराना है वो लगवा दे मतलब जो आपको सॉर्ट करवाना है वो बाई के बराबर लिख देना है,
तो यहाँ पे देखिए जो स्कोर है वो 60 हो चुका है। मतलब 60 का मतलब ऐसे मान लो कि 50 पहले आया, 56 बाद में आया, 90 बाद में आया। तो ये सब क्या है, मतलब क्या देखने को आपको मिल रहा है कि छोटे से बड़े की ओर चल दिए हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर आपको मिल रहा है। S1.60 वैल्यूज बाई इज इक्वल टू स्कोर, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू को सॉर्ट करवा सकते हो। तो ये जितने भी ऑपरेशन थे, फंक्शन थे, सारे कुछ हमने पढ़ लिए। डेटा फ्रेम को मैंने पांडा डेटा फ्रेम बताया, डेटा फ्रेम में इनबिल्ट फंक्शन जितने भी थे सारे बताए, पांडाज की सीरीज के साथ काम किया, डेटा मैनिपुलेशन किया विद पांडाज, ठीक है। वीडियो भी अच्छा लगता हो, वीडियो भी बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना ज़्यादा हो इसको वीडियो को शेयर करें।